फतवा से क्या डरना, देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी, ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है। बिल्कुल, भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है और उन्हीं से मैं सीखी हूँ। एक तरफ प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होकर लगातार दिव्य दर्शन दे रहे हैं, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है शबनम शेख, जो 40 दिन से पैदल यात्रा करके अब अयोध्या पहुंच चुकी है। शबनम शेख का सफर खत्म हो चुका है, वो कल प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाएगी और रामलला के दर्शन भी करेगी। लेकिन जैसे ही वो अयोध्या पहुंचती है तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें कि शबनम शेख मुंबई की रहने वाली है। उन्होंने अपनी यात्रा 21 दिसंबर 2023 को शुरू की थी और 40 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो अयोध्या पहुंची। यहां आते ही अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद शबनम शेख ने कहा कि हमारे रोम रोम में प्रभु राम बस चुके हैं। वहीं मौलानाओं के फतवे को लेकर वो कहती हैं कि किसी मौलाना को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात करे, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ। ये देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं चलता। सबसे पहले तो सभी को जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 40 दिन और मैं मुंबई से निकली थी 21 दिसंबर 2023 को। मैं अभी अयोध्या में पहुँच चुकी हूँ और कल तक मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे राम जी के, और मुझे राम जी से ही प्रेरणा मिली है कि इतनी दूर से मैं 1400 किलोमीटर प्लस का ये सफर है, कल तक मैं ये सफर तय हो जाएगा मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या पहुंचने के बाद, मतलब एक ऐसी धरती पर मैं आ चुकी हूँ, एकदम पावन धरती है ये राम जी की। जगह जगह आपको स्वागत किया जा रहा है अयोध्या में, ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्वागत का सिलसिला देखो अयोध्या में ही नहीं, मैं जहाँ से निकली थी महाराष्ट्र से, वहाँ से लेके मैं MP पहुंची, MP से लेके उत्तर प्रदेश, हर जगह स्वागत का काम तो चलता ही चल रहा है और साथ ही साथ हमारा बहुत देखभाल किया जा रहा है। जैसे ये सुशील मिश्रा जी है, ये कल दोपहर से हमारे साथ है और ये आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे। आप जिस कौम से रहती है, जैसे राम को बोलने के बाद फतवा जारी हो जाता है, डर नहीं लग रहा आपको फतवा जारी के? फतवा जारी हो गया है, फतवा से क्या डरना, देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी, ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है और संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो मैं तो बोलती हूँ भाई सेक्युलर कंट्री है, गवर्नमेंट से एक अपील करूँगी कि ये जो फतवा वाला कंसेप्ट है ये भारत से ख़त्म हो जाए, ताकि लोग बिना डरे, खास करके मुस्लिम महिलाएं या लड़के लोग भी है जो करना चाहते राष्ट्रहित में काम, तो उनको थोड़ा हौसला मिलेगा। इतने हौसला आपको आई कहाँ से, कहीं भगवान राम से तो नहीं मिली आपको? बिल्कुल, भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है और उन्हीं से मैं सीखी हूँ। मतलब उनके आशीर्वाद आगे फतवा आपको वो नहीं आ रहा है? नहीं, फतवा से क्या डरना, देखो सरकार साथ में, सरकार की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो साथ में, तो किससे डरना? इन लोगों से डर गए तो फिर लाइफ में जी के मतलब क्या है फिर? प्रभु राम से का आपका जब दर्शन होगा, प्रभु राम को क्या मानती हैं, क्या मांगेगी उनसे, क्या दीदार जब आपका होगा तो कैसा लगेगा? देखिए मैं जो भी मांगूंगी वो तो मैं उन्हीं से बोलूंगी, चीज़ें पब्लिकली नहीं मैं बताना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल होती है वो चीज़ें मैं मांगूंगी। और उनके फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो अभी बस बोल पड़ेंगे, ऐसा लगता है रियल में वो वहाँ पर है, ऐसा एक आभास होता है, मैंने फ़ोटो में देख के ऐसा फील किया है कि वहाँ जाके तो पता नहीं क्या होने वाला है, एकदम ऐसा लगेगा साक्षात वो खड़े हैं। इतने दूर से आप आ रहे हैं, तैयारी कैसी है आपके, आपका और भगवान की जब आमना सामना होगा? तैयारी बहुत अच्छी है, तैयारी क्या, उन्होंने हिम्मत दी, उनको पता है मैं आ रही हूँ, ऐसा लगता है कि रात रात को हम 1:30 बजे तक चलते हैं, ऐसा लगता है कि पीछे कोई है हमारे साथ, कोई शक्ति है हमारे साथ, जब हम सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं रात तक चलते रहते हैं तो लगता है कि हनुमान जी साथ में। वहीं स्थानीय महिलाओं ने शबनम शेख के स्वागत के बाद क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आशीर्वाद तो बस यही है कि ऊपर वाले को उनके मन में बस गए हैं, वो धर्म कर्म कुछ चीज नहीं, अपने राम जी के शरण में आ गए हैं। उनका बहुत अच्छा, बहुत विचार, इतना कि कहा नहीं जा सकता है कि कितना अच्छा उनका विचार है,
बहुत इतना अच्छा है, इतना हम सब खुश हुए देख करके। अभी कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन सब उम्र कहीं कुछ नहीं, सब ऊपर वाले की मर्जी है, जो उनकी इच्छा होती वही होता है। हम भी माला मंदिर का माला रखा था माता जी के लिए, लेकिन कहे अब माता जी तो है ही है, आखिर माता जी ये भी हैं कि इतनी दूर से आई हैं, कितना मतलब परिश्रम करके और कितना इनके मन में वो, तो माता जी बस जो ये अपना अच्छा काम करे वही सब है क्या चीज़, कुछ नहीं है। समनत सेठ कहाँ से आ रहे थे? बम्बई से, महाराष्ट्र से। आपने माला पहनाया, हाँ, भाव को करके गले मिले, हाँ, आशीर्वाद दिया, हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। आपका पैर भी छुआ? हाँ, हमारा पैर छुआ। और सनातन के लिए काम, हाँ, कर रही हो? हाँ, सनातन के लिए, भगवान के लिए चल पड़ी, हाँ, भगवान के लिए चल पड़ी। अपने जात पात पे नहीं गई कि हमें का होए, जबकि फतवा भी जारी हो गया। फतवा जारी होगा, वही बात है। क्या कहना चाहेंगे उनके उत्साह बढ़ाने के लिए? भगवान की पर इनके भला करें, अच्छा करें इनके, तपस्या पूरी होए, भगवान का और बल दे। फिलहाल एक लंबे सफर के बाद शबनम शेख भगवान राम के दर्शन करेंगी, और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी वो आपको जल्द ही बताएंगे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।